सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 20,000 रुपए के अंदर कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। वैसे दोस्तों, इस प्राइस पर लगभग आपको 8GB तक की रैम तो देखने को मिल ही जाती है, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स की भी बात करेंगे जहाँ पर आपको 11GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी अच्छी और तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग और अच्छी खासी बैटरी बैकअप का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको तगड़े गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका बजट यहाँ पर 20,000 रुपए तक का है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक चैनल गैजेट न्यूज हिंदी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले उन यूजर्स की जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी गेमिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना है। और ये स्मार्टफोन है पोको की तरफ से, पोको X3 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के डिजाइन से दोस्तों। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बैक, प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाटर और डस्ट के स्प्लैश प्रोटेक्शन वाला फीचर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन में आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब आप यहाँ पर एक साथ में दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे गाइस, ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। और अच्छी बात है कि ये डिस्प्ले आपको एचडीआर 10 सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगी। और साथ ही यहां पर आपको कोरिंग गोरेलगा 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के लिए काफी तगड़ी आपको यहां पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में यहां पर आपको बैक में 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जहां पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का। और जहां तक बात है सेल्फी की दोस्तों, तो यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको फ्रंट कैमरा से फुल एचडी तक की और इसके अलावा बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस यहां पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। और गेमिंग के हिसाब से यहां पर आपको बैटरी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगी 5160 mAh की बैटरी, जहां पर आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जहां तक बात है इस फोन के प्रोसेसर की दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको काफी तगड़ा गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा, 7nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का चिपसेट। इसके साथ में यहां पर आपको गेमिंग के लिए एड्रेनो 640 का GPU देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये काफी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है, जहां पर आपको गेमिंग के लिए कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप यहां पर रोजमर्रा के जो आपके काम है, डेली टास्क और साथ ही मल्टीटास्किंग में भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे बात करें यहां पर इस फोन के रैम और स्टोरेज की दोस्तों, तो यहां पर आपको मिल जाती है 6GB की रैम, 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जहां पर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है, जिसका मतलब आपको यहां पर ऐप लोडिंग टाइम तो काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा गेमिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप यहां पर इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं 1TB तक। बात करें यहाँ पर इस फोन की कुछ कमियों की, तो यहाँ पर आपको काफी सारे प्री प्लॉटेड एप्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपको यहाँ पर कैमरा भी नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन सच में अगर आप यहाँ पर एक तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर सबसे बेस्ट है, जहाँ पर आपको काफी तगड़ी गेमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं और आप इस फोन को परचेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है यहाँ पर 18,999 रुपए की प्राइस पर। और बात करें यहाँ पर अगले स्मार्टफोन की, तो अगला जो स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको डिजाइन काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Mi 11 Lite। सो फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको वाटर और डस्ट के स्प्लैश प्रोटेक्शन वाला फीचर भी दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये जो स्मार्टफोन है, ये आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की। तो फ्रेंड्स, इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है यहाँ पर 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड की डिस्प्ले, जहां पर आपको एचडीआर 10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको 90 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। और वैसे जहां तक बात है प्रोटेक्शन की दोस्तों, तो यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी और तगड़ी देखने को मिल जाती है। बात करें इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। और बात करें यहाँ पर सेल्फी की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप फ्रंट कैमरा से फुल एचडी की और इसके अलावा आप यहाँ पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात है दोस्तों इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो स्मार्टफोन को लाइट वेट बनाने के लिए यहां पर आपको 4250 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और इस फोन के अंदर आपको डेली परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छा चिपसेट भी देखने को मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का, जो कि आपको 8nm पे देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और साथ ही गेमिंग के लिए काफी अच्छी और तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में यहां पर भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। और इस फोन में आपको यहाँ पर 6GB की रैम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको एप्स लोडिंग और गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिल जाएगी। और वैसे फ्रेंड्स इस फोन के अंदर आपको AMOLED की डिस्प्ले तो देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब कंटेंट वगैरह के लिए काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऑडियो आउटपुट भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा और तगड़ा देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर इस फोन की कमियों की, तो यहाँ पर आपको डेप सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको OS उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और साथ ही परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन वैसे तो आपको मिलता है 22,000 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अभी यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है, जिस दौरान अगर आप बैंक ऑफर सप्लाई करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 18,499 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर उन यूजर्स की, जो कि यहाँ पर एक 5G स्मार्टफोन के साथ में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन भी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर है आइको की तरफ से IQ Z3 5G। और बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको डिजाइन के मामले में अच्छा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वीरोस देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ओल्ड डिजाइन हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बढ़ते आगे बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। जहाँ तक बात है सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप बैक कैमरा से 4K तक की और फ्रंट कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कैमरा परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, कैमरा यहाँ पर आपको काफी अच्छा दिया गया है। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और बात करें यहाँ पर इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 7nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट होने के साथ में आपको यहाँ पर काफी अच्छी और तगड़ी गेमिंग करा देगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन की कुछ कमियों की, तो यहाँ पर अगर फुल HD प्लस के साथ में सुपर AMOLED की पैनल होती तो ये स्मार्टफोन एक बहुत ही कमाल का पैकेज हो जाता। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी डेप्थ सेंसर नहीं दिया गया है, तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस फोन के साथ में भी जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 6GB रैम 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 19,999 रुपए की प्राइस। फ्रेंड्स बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर अगले 5G स्मार्टफोन की, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर Realme की तरफ से Realme Narzo 30 Pro 5। ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजाइन भी अच्छा दिया गया है, जहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिलती है, और साथ ही ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 के साथ में देखने को मिल जाता है। तो इस फोन के बेसिक फीचर्स तो हो गए, लेकिन अभी इसके मेन फीचर्स बाकी हैं। बात करें यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 7nm बेस MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग और साथ ही हैवी गेमिंग में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। और वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको ड्यूअल 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। वैसे बात करें इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का। इसके फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसके फ्रंट कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग और साथ ही बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वैसे कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।
इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी और तगड़ी देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात है इस फोन के रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6GB की रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256GB तक। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। इस फोन की पूरी कहानी की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इसके अलावा मुझे इस फोन के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती दोस्तों। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 5G स्मार्टफोन परचेस करना है और आप यहाँ पर अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर Realme के Realme Narzo 30 Pro 5G के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 15,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ब्लॉटवेयर ऐप जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना है, साथ ही आपको यहाँ पर 5G स्मार्टफोन चाहिए, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं मोटोरोला की तरफ से मोटो एज 20 फ्यूजन, जो कि अभी एक लेटेस्ट लॉन्च है मोटोरोला की तरफ से, जहाँ पर आपको वाटर और डस्ट के स्पैश प्रोटेक्शन वाला फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में इस फोन में आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों ये जो फोन है ये आपको एंड्रॉइड 11 के साथ में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर एप्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। तो चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की OLED की डिस्प्ले, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और HDR10 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर आपको 1 बिलियन कलर्स के सपोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर इस फोन की कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल का। बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप फ्रंट कैमरा से फुल HD की और बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी और 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। वैसे दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाएगा MediaTek Dimensity 800U का। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग के साथ में 5G की कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको थिंग शील्ड की सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है दोस्तों, जिसका मतलब कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह सिक्योर होगा, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पर एक काफी सिक्योर स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट चाहिए और आपको एक 5G स्मार्टफोन लेना है, तो आप यहाँ पर मोटो एज 20 फ्यूजन के साथ में जा सकते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 21,499 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो इस फोन को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, और अगला जो स्मार्टफोन है यहाँ, जहाँ पर आपको 11GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये स्मार्टफोन है Vivo की तरफ से, Vivo Y73। गाइस ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। के अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पर 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड का एक साथ में इस्तेमाल कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की AMOLED की डिस्प्ले, जहाँ पर आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्राइटनेस भी काफी अच्छी दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी अच्छी और तगड़ी देखने को मिल जाएगी। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है 64 मेगापिक्सल का। और जहां तक बात है सेल्फी की दोस्तों, तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप फ्रंट कैमरा से फुल HD की और बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कैमरा के मामले में यार Vivo काफी कमाल का फोन है, जहां पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही इस फोन के बैक में आपको यहां पर 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहां पर थोड़ा सा ओल्ड चिपसेट देखने को मिल जाता है, 12nm बेस्ड MediaTek Helio G95 का। तो गेमिंग तो काफी अच्छी करा देगा, इसके अलावा आपको यहां पर डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों यही प्रोसेसर आपको 15,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें यहां पर इसके रैम और स्टोरेज की गाइस, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर 8GB तक की रैम, जिसे आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं 3GB तक। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आपको टोटल 11GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा।
तो देखा जाए दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ पर एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन, साथ ही अच्छे कैमरा और एक ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 20,990 रुपए की प्राइस पर। सो दोस्तों, ये थे वो कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको इस प्राइस पर काफी अच्छे और तगड़े देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पर आपकी जो क्वेरीज है उसे रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके साथ में उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।